कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी कढ़ी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी दही ली है, एक कप के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कड़ी पत्ते के मैंने थोड़े से पत्ते लिए हैं, हल्दी मैंने लिया है 1 टीस्पून, नमक मैंने आप 2 टेस्ट डालेंगे, एक दरमियानी प्याज लिया है मैंने, लहसुन लिया है मैंने 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च। तो सबसे पहले हम उसको ग्राइंडर के जग में हम ये दही ऐड कर लेंगे, देन फिर हम इसके अंदर बेसन को ऐड कर लेंगे, कड़ी पत्ते के पत्ते ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, प्याज, लहसुन, नमक, कुटी हुई मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जो है हम ग्राइंड कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम पैन में ये कढ़ी का पेस्ट डालेंगे और इसको जो है हम चम्मच से चलाते रहेंगे, इसके अंदर हम चम्मच से चलाते रहेंगे जल्दी जल्दी, ताकि इसमें फुटकियाँ जो है वो ना बने, और जैसे ही ये पकना शुरू होगा, जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर लेंगे, और पानी ऐड करके इसको तकरीबन हम 2 से 3 घंटे धीमी आँच पर पकाएंगे। अभी हमारा तकरीबन ये पकना शुरू हो गया है, तब हम इसके अंदर जो है एक जग भर के जो है वो पानी का ऐड कर लेंगे, और इसको तकरीबन हम 2 से 3 घंटे बिल्कुल धीमी आँच पर पकाएंगे। इसको पकने के लिए रख दिया अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे, पकने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गाढ़ी भी हो जाएगी और फिर हम इसकी पकौड़ियाँ रेडी करेंगे। 2 से 3 घंटे पकने के बाद ये कढ़ी जो है हमारी वो गाढ़ी हो गई है तकरीबन, तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसके पकौड़ों का मिक्सर जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब बेसन लिया है, इसे मैंने 2 प्याज और हरी मिर्चों को चॉप करके वो मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 एग मिलाऊंगी, इसके अंदर मैंने ये 1 एग मिलाया है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी इसमें मैं, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसको जो है हम अच्छी तरह से घोल लेंगे पानी की मदद से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये मैंने जो है बेसन वो घोल लिया है, अब हम इसके जो है वो पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह से हम पकौड़ों को जो है वो फ्राई कर लेंगे, पकौड़ियाँ जो है वो रेडी हैं। ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कढ़ी के अंदर, इसके अंदर हम इसको कढ़ी के अंदर डिप कर लेंगे और हमारी पकौड़ियाँ नरम भी हो जाएंगी और सॉफ्ट बनती हैं बहुत। ये इधर हमने कढ़ी का बघार रेडी कर लिया है, कढ़ी पत्ता, ज़ीरा और साबुत गोली मिर्च को हमने बघार लगा लिया। ये मेरे पास लाल प्याज रखी हुई थी, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आखिरी में हम इसके ऊपर बघार लगा लेंगे। ये हमारी कढ़ी पकौड़ा जो है वो रेडी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।